दोस्तों आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि अब आप ई वोटर आईडी कार्ड यानी कि इंटरनेट वाले पीडीएफ वाला वोटर कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं तो इसके लिए अब आप स्टेट वाइज पोर्टल रखा गया है। कुछ स्टेटों को अलग पोर्टल से ई वोटर कार्ड डाउनलोड करना होगा और कुछ स्टेट के लोगों को अलग पोर्टल से ई वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करना होगा। तो कौन कौन से स्टेट के व्यक्ति कौन से पोर्टल से वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करेंगे उसके बारे में आगे इस वीडियो में आपको पूरे विस्तार से जानकारी देने वाला हूं। साथ ही आप ई वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कैसे करेंगे इसके बारे में भी आपको पूरे जानकारी मिल जाएंगे इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। मेरा नाम है राजकुमार और आपका अपना ही चैनल राज हेल्प में आपका स्वागत है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। वीडियो आगे ने इस पर मिल सकता है आपसे रिक्वेस्ट है इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इसी तरह जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को ऑन कर लीजिए। दोस्तों अब स्टेट वाइज ई वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करने का सुविधा रखा गया है। तो आपके स्टेट का कौन से वोटर पोर्टल से ई वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड होगा और कैसे आपको डाउनलोड करना है, तो उसके लिए आपको सबसे पहले कोई भी ब्राउजर ओपन कर लेना है। उसके बाद आपको गूगल ओपन कर लेना है और यहाँ पे आपको टाइप करना है NVSP। अब NVSP लिख के जैसे ही सर्च करें तो ये जो पहले वाले लिंक आपको देखने को मिलेगा इस लिंक पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अब इस पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों आप इस तरह से राष्ट्रीय मतदाता सेवा पोर्टल पे आ जाएंगे। अब इस पोर्टल पे आप जैसे ही आ जाते हैं तो पहले आप जानिए कि इस पोर्टल की मदद से कौन कौन से स्टेट के व्यक्ति ई वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों के क्लियर बताया गया कि कर्नाटक, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल, लक्षद्वीप, जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, अगर आप इनमें से कोई भी एक स्टेट से बिलोंग करते हैं तब आपको इसी पोर्टल के माध्यम से ई वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करना होगा। लेकिन इसमें जो भी स्टेट का नाम दिया गया, अगर आप इस स्टेट से बिलोंग नहीं करते हैं, इसके अलावा दूसरे स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो उस बीच आपको दूसरे पोर्टल पे जाना होगा और वहीं से आपका ई वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड होगा। तो दूसरे पोर्टल पे जाने के लिए यहाँ पे देखिए एक लिंक दिया गया voters.eci.gov.in, इस पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अब इस पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों यहाँ पे देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा ईपिक डाउनलोड, इस पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। अब इस पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों तो यहाँ पे आपको रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईपिक नंबर दोनों में से कोई एक चीज एंटर करना है। यहाँ पे आपको पासवर्ड एंटर करना है, उसके बाद आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और यहाँ पे दोस्तों जो भी कैप्चा कोड आपको देखने मिलेगा वो वैसे कैप्चा एंटर करना है, वेरीफाई बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप वेरीफाई बटन पे क्लिक करें तो यहाँ पे जैसा आपका कैप्चा वेरीफाई हो जाएगा, उसके बाद आपको क्या करना है लॉग इन बटन पे क्लिक कर देना है। बट उससे पहले दोस्तों अगर आपको नहीं पता है कि इस पोर्टल पे कौन सा लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करना है तो उसके लिए आपको सबसे पहले NVSP पोर्टल पे आ जाना है और इस पोर्टल पे आने के बाद पहले जो आप इस पोर्टल के मदद से आप ई वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड करते थे और उनके लिए यहां से जो आप लॉगिन करते थे तो यहां पे जो आप लॉगिन आईडी पासवर्ड एंटर करते थे वही लॉगिन आईडी पासवर्ड आपको यहां पे एंटर करना है। अब एक बात ध्यान है कि अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो इस पोर्टल से फॉरगेट ना करें तो बेस्ट रहेगा। हालांकि फॉरगेट कर सकते हैं लेकिन अगर आप फॉरगेट करना चाहते हैं तो आप NVSP पोर्टल से ही आप अपना आईडी पासवर्ड फॉरगेट कर सकते हैं अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं। अगर नहीं भूले हैं तो पहले आपको क्या करना है फटाफट से यहाँ पे इस पोर्टल पे नए वाले पोर्टल पे लॉगिन हो जाना है। तो मैं फटाफट से लॉगिन हो जाता हूँ। लॉगिन बटन पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों आप इस तरह से इस पोर्टल पे लॉगिन हो जाएंगे। अब लॉगिन होने के बाद दोस्तों आपको फिर से ये जो ईपिक डाउनलोड लिखा है इस पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है, उसके बाद आपको इस तरह से स्क्रॉल करना है और एक बात ध्यान है कि यहाँ पे ये जो ईपिक नंबर लिखा है इस पे क्लिक रहने देना है। यहाँ पे आपको ईपिक नंबर यानी कि जो वोटर कार्ड डाउनलोड करना चाहते हैं वो वोटर नंबर यहाँ पे एंटर करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ से आपको स्टेट का नाम सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे देखिए स्टेट का नाम देखने को मिल जाएगा, तो जो भी स्टेट से बिलोंग करते हैं आप अपने स्टेट के नाम पर इस तरह से क्लिक कर दीजिए और उसके बाद आपको सर्च बटन पे क्लिक कर देना है। सर्च बटन पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों अब आपको इस तरह से स्क्रॉल करते नीचे की तरफ आना है और यहाँ देखिए आपका जो रिकॉर्ड आ जाएगा, आपका डिटेल्स आ जाएगा जो कि मैं सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हूँ। अब आपको इस तरह से स्क्रॉल करते नीचे की तरफ आना है और यहाँ देखिए आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा सेंड OTP, इस पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। सेंड OTP पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों आपके नंबर पे OTP जाएगा, वो OTP आपको यहाँ पे एंटर कर लेना है और उसके बाद आपको वेरीफाई बटन पे इस तरह से क्लिक कर देना है। वेरीफाई बटन पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों इस तरह से लिखा आ जाएगा OTP वेरिफिकेशन डन सक्सेसफुली और यहाँ देखिए डाउनलोड ईपिक, इस पे आपको इस तरह से क्लिक कर देना है। इस पे आप जैसे ही क्लिक दोस्तों आपका ई वोटर आईडी कार्ड इस तरह से डाउनलोड हो जाएगा जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, हालांकि मैं सिक्योरिटी रीजन से ब्लर किया हूँ। तो दोस्तों इस तरह से आप बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे खुद से आप ऑनलाइन के माध्यम से अपना ई वोटर आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कीजिए और आपके मन में कोई सवाल, कोई कंफ्यूजन या कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बेझिझक हमसे पूछ सकते हैं।